थोड़ा एंगल चेंज देखा होगा आपने, थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज है, तो आज एक नए तरीके से वीडियो बनाने लगा हूँ, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी, एंड तक देखिएगा, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज आपको एक अपने बर्ड्स में से एक पट्ठी दिखाऊंगा। आप देखते रहे हैं, छोटे थे, बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर पट्ठा पट्ठी बने। आज उनका दीदार करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। साथ साथ आपको ना ब्रीडिंग के हवाले से चंद अहम बातें बताऊँगा जो आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सब भाइयों को बताऊँ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ब्रीडिंग के मतलब आपको चंद बातें बता दूँ। वो ये है कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि हमारा मुर्गा नहीं लग रहा, हमारी मुर्गी नहीं लग रही, क्या वजह है, क्रॉस नहीं होते। तो वजह भाईजान ये है कि अब लास्ट क्रीच का मौसम चल रहा है, यानी क्रीच के एंड पे हैं ये। जब ये इंशाल्लाह दिसंबर गुजरेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी बर्ड्स होंगे ना वो ब्रीडिंग पर आना शुरू हो जाएंगे। जब क्रीच का एंड चल रहा होता है ना, तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये चिड़चिड़े से हुए होते हैं, इसलिए ये ब्रीडिंग पे नहीं आते। मुर्गियां हीट पे नहीं आती, मुर्गे भी हीट पे नहीं आते। अगर आप मुर्गे को मुर्गी के साथ छोड़ें तो वो मारता है। साथ साथ आपको पट्ठा दिखाते हैं और पट्ठी दिखाते हैं, मैं इनको बाहर निकालता हूँ। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। ये वही बच्चे हैं जो आप देखते रहते हैं, अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी इनकी एज ये पट्ठा तकरीबन 7 मंथ का है, और ये जो पट्ठी है ये अभी तकरीबन 6 मंथ की है, देखिए। तो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं लगाए हुए, ये बस जोड़े बना के साथ लगाए हुए हैं। अभी ये ब्रीडिंग के काबिल हैं भी नहीं। जब ये तकरीबन 18 मंथ का हो जाता ना पट्ठा, तो फिर ब्रीडिंग का समझ लें इनिशियल स्टेज होती है इसकी, फिर लगाना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं वो 12 मंथ की एज में ही लगा देते हैं। आपकी खुराक पे भी डिपेंड करता है, आपकी जो आप केयर करते हैं ना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी केयर करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपके बर्ड भी बनते हैं। तो अगर तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, अच्छे जा रहे हो, तो फिर भी जो बेस्ट एज होती है ना ब्रीडिंग की, वो 18 मंथ ही है। आप 18 मंथ का जब पट्ठा हो तो तब ब्रीडिंग पर लगा सकते हैं। और मुर्गी का ये है कि जब मुर्गी का झोल हो जाए ना मुकम्मल, एक जोली पहली दे दे आप, तब ना लगाएं दूसरी जोली भी, मैं तो कहूँगा ना लगाएं। आप इनको जब ये तीसरी जोल पे आती हैं ना, तीसरी दफ़ा अंडे देती हैं मुर्गियाँ, तो तब आप इनको ब्रीडिंग के ऊपर लगाएँ, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं फिर। तो अभी इनको बंद करते हैं केज में, तो तब आपको हो सकता है यहाँ पे ये सही नज़र आएंगे। देखिए हमारे जो केजेस हैं ना, इनकी हालत भी अब काफ़ी गंदी हो चुकी है। इनको भी हमारा प्रोग्राम है रेनोवेट वगैरह करने का, इनको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही टाइम लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बच्चे पसंद आए होंगे। तो मैं बात कर रहा था ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग जब आपने शुरू करवानी है ना, तो उसमें मौसम का ख्याल रखा करें, मौसम देख लिया करें। अभी काफ़ी सर्दी है,
तो बाज लोग अभी भी करवा लेते हैं ब्रीडिंग, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स की क्रीच मुकम्मल हो गई हो ना, पर सर पर हो गए हो, पर मुकम्मल हो सारे, तो और उनको कोई मसला मसाइल ना हो, तो फिर आप उनको ब्रीडिंग पे लगा सकते हैं। जब आपके आप पर उठा के देख सकते हैं, ऊपर से जो क्रीच होती है ना इनकी मुकम्मल हो चुकी होती है, लेकिन नीचे से छोटे छोटे लुएँ अभी भी फूटे होते हैं। वो क्या होता है, जब आप ब्रीडिंग पे लगा देते हो ना, जानवर जो होता है वो चिड़चिड़ा हुआ होता है, तो चिड़चिड़ेपन में फिर वो ब्रीडिंग पे आने की बजाय वो कि ये जानवर ब्रीड करे, वो मुर्गी को मारना शुरू कर देता है मुर्गा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा करें, और इंशाल्लाह जब ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होगा ना सही, जैसे जनवरी फरवरी में, तो ब्रीडिंग से मुतल्लिक हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता है पहले भी हम करते रहे आपको, लेकिन इंशाल्लाह फिर नई वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।